है वाल्मीकि राम त्रिपाठी, चीफ कमिश्नर कस्टम। वाल्मीकि राम त्रिपाठी, मैं यहाँ लखनऊ पुलिस क्षेत्र में मुख्य आयुक्त हूँ। यह हमारे अंदर यूपी की 55 जिलों का चार्ज है, जिसमें लखनऊ, कानपुर और इलाहाबाद के आयुक्तालय हैं। इस पूरे जोन का कस्टम सर्विसेज और सर्विस सुरक्षा करीबन 8,000 करोड़ का रेवेन्यू है। मेरी शिक्षा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हुई है। मैंने वहाँ से एमएससी फिजिक्स किया, एमए किया, फिर 1975 में सेलेक्ट होकर 1976 बैच का ऑफिसर हूँ। मैं भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग में करीबन बॉम्बे, पुणे, अहमदाबाद, पटना, दिल्ली और लखनऊ में कार्य किया है। मेरी जन्मतिथि 1952 के बाद सेवानिवृत्त होने वाला हूँ। हमारा खास सोचना रहता है कि लखनऊ के क्षेत्र में राजस्व के साथ साथ विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाया जाए, काम करने में उनकी जो है क्षमता बढ़ाई जाए, और जो उनको काम करने के लिए आवश्यक वस्तुएं हैं, जो आवश्यक उनको परिवेश मिलना चाहिए, वो आदेश दिया जाए। पिछले 21 महीने के चार्ज में मैंने लखनऊ में कई ऐसे सांस्कृतिक और कई ऐसे कल्चरल के प्रोग्राम, स्पोर्ट्स प्रोग्राम बनाए हैं। उसी तत्वाधार में हम लोगों को केंद्रीय राजस्व परिषद, क्रीड़ा परिषद ने ये कार्य जो है ऑल इंडिया लिटरेचर वर्कशॉप का दिया था, जो कल और आज फोटो में संपादित किया। इसमें देश के कोने कोने से बहुत सारे साहित्य कस्टम और ईसाई विभाग और इनकम टैक्स विभाग के लोग जो कविताएँ लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, पुस्तकें जिन्होंने लिखी हैं, जिन्होंने अनुवाद किए हैं, जिन्होंने स्टेज किए हैं, वो सब लोग यहाँ पर आए हुए थे। करीबन कुल मिला के 150 लोग थे, 40-50 लोग बाहर से आए हुए थे। ये सारे कार्यक्रम किए गए। इसमें उत्तर प्रदेश से भी हिंदी विभाग के बहुत से मोटे विद्वान, जैसे गिरिराज किशोर जी थे, डॉक्टर कामतानाथ जी थे, डॉक्टर शंकुला जी, डॉक्टर विशुचंद्र पांडे और हमारे विभाग की जो श्रीमती प्रवीणता राज जी थी, वो इंजीनियर प्रोफेसर विश्वी शक्ति भी बन रही हैं। यहाँ पर चीफ ऑफिसर भी जो में रही हैं, वो भी लास्ट मोबिलाइजेशन और पाई का काम उन्होंने किया। मैं इस माध्यम से आज के इस माध्यम से एक ही संदेश देना चाहता हूँ, विभाग भारत सरकार के विभाग में एक प्रोफेसर होने के नाते कि सभी लोग अपना कार्य जो है तन्मयता से, प्रतिबद्धता से और पूरी ही सच्चाई ईमानदारी से करें, जिससे देश की उन्नति अच्छी तरह से हो सके और विश्व के उसमें जो है हमारा जो लक्ष्य है कि 2020 तक हम विश्व के बड़े उन्नत राष्ट्रों की कतार में खड़े हो सकें, यही हमारी सबकी शुभकामना। धन्यवाद। क्या आज आपने उजाला सिटी लखनऊ के संस्करण से आपका हमारा साक्षात्कार करके जो लखनऊ और देश की जनता के लिए तरफ से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कार्यक्रम आगे आप चलाते रहें, जिससे और लोगों से